तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, एससी वर्मा का सलूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अब हम लोग एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम करने वाले हैं। जितना प्रॉब्लम है उतना करवा दे रहा हूँ, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सलेशन ऑफ द मून निकालना, ठीक है। मून जो होता है, ये मून है और ये अर्थ है। तो अर्थ और मून के बीच जो सेंट्रल डिस्टेंस है, सेंटर वो डिस्टेंस आर है, और मून अर्थ के राउंड एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन बोलो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है, आर की जो वैल्यू, यहाँ पे रेडियस आर 3.85 × 10^5 किलोमीटर है। तो एक काम करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 × 10 × 10^8 मीटर, ठीक है। तो 10^3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10^3 से, तो इतना मीटर बन जाएगा, ठीक है। दिस इज द रेडियस एंड टाइम, मतलब ये यहाँ ए पॉइंट से चला था, ए पॉइंट पे आने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड कितना है भाई? तो टाइम पीरियड है और 27.3 डेज है, ठीक है ना। तो इस डेज को मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर लूँगा, तो 27.3, और ये इतना दिन है ना, तो डेज है, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना घंटा हो गया, और फिर 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। एक घंटे में 3600 सेकेंड होता है, 306। तो एक्सलेशन अगर देखोगे तो एक्सलेशन का जो मैग्नीट्यूड है, एक्सलेशन का यहाँ एक्सलेशन मतलब एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड, तो एक्सलेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो होता है वी स्क्वायर ओवर आर। वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो आर ओमेगा का स्क्वायर अपन आर, मतलब आर ओमेगा का स्क्वायर। तो अभी भी हमें टाइम पीरियड, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/T, ठीक है ना। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T होता है। तो यहाँ से मैं ओमेगा की जो वैल्यू रखूँगा तो एक्सलेशन जो दिखेगा वो दिखेगा आर ओमेगा की वैल्यू 4π² एंड दैट इज T²। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सलेशन। अब इसमें हम अपनी सारी वैल्यू रख देंगे तो हमारा डेटा कैलकुलेट हो जाएगा जो हमें चाहिए। तो यहाँ से जो एक्सलेशन, सेंट्रिपिटल एक्सलेशन, जो सेंटर की तरफ हमें आ रहा, तो रेडियस की वैल्यू डालोगे तो रेडियस कितना है? 3.85 × 10^8 है, और इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3.14 का स्क्वायर कर दो और डिवाइड कर दें टाइम से, तो टाइम कितना है? 27.3 है, और मल्टीप्लाइड बाई 24 डेज था तो आवर हो गया, और 360 से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर इसका स्क्वायर कर लिए। तो ये जो भारी भरकम डेटा है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो सेंटीपीटल एक्सलेशन 2.73 × 10^-3 m/s आ जाता है, और इसका मैग्नीट्यूड टुआर्ड द सेंटर है। तो ये हम लोगों का फाइनल सोल्यूशन है बच्चों, ठीक है ना। और यही चीज़ ये एल्जेब्रिक फॉर्म में था और ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।